मेरे हमारे साथ सब लोगों को डर है कि आज हम जो आपके साथ यहाँ पे इंटरव्यू दे रहे हैं, काश हम पर भी 188 महामारी एक्ट, काश हम पर भी 144 दंगा भड़काऊ का नया बयान लग जाए। हमारी बेटी की सजा जला दी, न माँ बाप को ना देकर दी, पटक पटक के गाड़ी के नीचे फेंक दे। DM साहब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और बल्कि इन केस में इनको पार्टी बनाकर इनके खिलाफ माननीय कोर्ट से होना चाहिए। स्वतंत्रता के इतने साल बाद भी हम आज भी दलित हैं और कंटिन्यूसली धमकाया भी जा रहा है। निर्भया के लिए हमारा पूरा समाज, हमारा पूरा देश खड़ा हुआ था, तो आज संवर समाज ने हम दलितों को क्यों पीछे छोड़ दिया? जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहने दो म्यान। संत कबीर ने भी कहा है कि सज्जन इंसान की पहचान उसके ज्ञान से होती है, और आज हाथरस में इस ज्ञान की बहुत ज़रूरत है। हमारे साथ वाल्मीकि समाज के तमाम लोग हैं, यहाँ पे हाथरस के बिटियाएँ हैं, माएँ हैं, उनसे पूछते हैं किस तरह से क्या वो महसूस कर रही हैं इस घटना को लेकर। हाँ मैम, आज देश और प्रदेश दोनों सरकार में बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं, और योगी और मोदी जी से, माननीय योगी और मोदी जी से हमारा यही निवेदन है कि अगर ऐसे उनके लिए हत्या का और फांसी का अगर सजा नहीं होती है तो ऐसी सरकार का बेकार है वोटिंग करना। अगर अब की बार अगर फांसी इन मुद्दों पे नहीं हुई तो ना योगी और ना मोदी। क्या कहना चाहेंगी, सुरक्षित महसूस कर रही हैं आप, दुख है आपको इस घटना को लेकर? जी बिल्कुल, मुझे बहुत दुख है। योगी मोदी जी ने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं उनसे ये पूछना चाहूँगी कि बेटी बचा कैसे सकते हैं और बेटी पढ़ा कैसे सकते हैं? ये नारा आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नहीं, ये है नारा आपका बेटी जलाओ का। देश की आज हर बेटी बाहर निकलने से डर रही है, छोटी छोटी बेटियाँ आज इतनी असुरक्षा महसूस कर रही हैं। कैसे पढ़ेंगी देश की बेटियां, कैसे आगे बढ़ेंगी? अगर आपकी यही सरकार रही और यही नीति रही आपकी, तो देश की बेटी बाहर निकलने से डरेगी, बाहर निकलने से डरेगी। DM साहब के रवैये पर क्या बोलेंगे भैया? DM साहब के शायद कोई बेटी नहीं है ना, इसलिए उनका रवैया। किसी की बेटी के पीछे क्यों पड़े हैं आप बताइए। DM साहब के रवैये पे किसी की बेटी पे कटाक्ष ना करें। DM साहब ने इस परिवार को इतना प्रताड़ित किया है कि परिवार पिछले 10-15 दिनों से बड़ा भयभीत है, और मरने के बाद भी उन्होंने इतना भयभीत करके रखा है। DM साहब उनको जाकर धमका रहे हैं, पता नहीं कहां कहां ले गए, और DM साहब ने उनकी बेटी की चिताई जला दी, और आज भी उन्हें चैन नहीं है, खाने के लिए नहीं दे रहे हैं। DM साहब को पता नहीं कि किससे इतना बड़ा वो मिला ऑर्डर कि उन्होंने ये सब कर दिया। DM साहब को जरा सी भी शर्म नहीं आ रही है, और यहाँ से मुकाला भी नहीं करके जा रहे हैं। DM साहब के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, आपको लगता है कार्रवाई होनी चाहिए थी? करनी तो चाहिए, अगर करनी नहीं की जा रही है तो फिर मतलब ये IPS माननीय हमारे IPS की जो एसोसिएशन है वो विरोध कर रही है, और IAS लोग भी मतलब चाहेंगे कि इनको फांसी, वो इनको सस्पेंशन होना चाहिए इनका। आप क्या कहना चाहेंगे? मैम बहुत डर का माहौल है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। शुरुआत से जब से हमारी पीड़िता के साथ ये जो अत्याचार हुआ है, तब से लेके अब तक न जाने कैसी कैसी दुखद घटनाएं उन्होंने झेली हैं, न जाने कितने उन पर दबाव बनाया जा रहा है। मैं अपनी तरह से बताना चाहूँगा कि हम लोग शहर से बाहर हैं, हम शहर पे, जब हम पर और हमारे राष्ट्रीय चैनलों पर इतना दबाव है, हमारे राष्ट्रीय चैनलों को दबाया जा रहा है, मुझे डर है, और हमारे साथ सब लोगों को डर है कि आज हम जो आपके साथ यहाँ पे इंटरव्यू दे रहे हैं, काश हम पर भी 188 महामारी एक्ट, काश हम पर भी 144 दंगा भड़काऊ का नया बयान लग जाए, तो डर इतना है कि न जाने हम क्या करें। मैं कहना चाहता हूँ DM साहब से कि उन्होंने रेप की पुष्टि एकदम उन्होंने नकार दी कि रेप नहीं हुआ है। अगर आप 9 दिन बाद अगर रेप की जांच करवाएंगे तो बताओ उसमें जांच में कैसे रेप की पुष्टि हो सकती है। मैं कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने भी इस बात को दबाने की कोशिश करी है, सब पर कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, इस तरह की मांग है। ये बताइए, अपनी बिटियाओं को लेके, अपनी बहुओं को लेके आपको लगता है इस तरह की घटना होती है तो एक धक्का लगता है? धक्का ही लगता है, और कहा को जाओ से ज़्यादा धक्का कहा लगेगा है। जब हमारी बेटी की सजा जला दी, न माँ बाप को ना देकर दी, पटक पटक के गाड़ी के नीचे फेंक दे, तो हमें क्या पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ है? क्या जाना हमारी बेटी थी भी कि नहीं थी, हमें क्या पता किसको जलाया, हमें कोई पता नहीं है। और पीड़ित बहुत परेशान है इस समय, और उसको दबाव DM ने बहुत दबाव डाला है। क्यों दबाव डाला है, इसके लिए कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, क्या बात है?
सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सरकार तैयार हो गई है कि जांच होगी। बहू बेटी कोई घर से नहीं निकल पाएगी, नहीं कोई अकेला जा पाएगा, सफर नहीं कर पाएगा, कब तक ये डर दहशत हमारे दिलों में रही आएगी? ये योगी जी जो है कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे हम लोगों के लिए? आप लोग ने सबने भाजपा को वोट दिया था, वाल्मीकि समाज जो है यहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 25 जिलों में है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेशन में है, बीजेपी का वोटर माना जाता है, यहाँ युवा भी हैं, तमाम उनसे पूछते हैं क्या लगता है आपको जो घटना हुई उससे आपको धक्का लगा है, क्या तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल धक्का लगा है और जैसा कि बात सुरक्षा की जा रही है मैम, जो राजनेताएं हैं आजकल राहुल गांधी जी हैं उनको यहाँ पर आने पर रोक लगाई गई। ऐसा क्या छुपा रहे हैं पुलिस प्रशासन और ये सरकार, ऐसा क्या छुपा रही है जो उनको भी रोका जा रहा है? पर सियासत हो रही है इस मसले पर, आपको लगता है कहीं ना कहीं? जी हाँ बिल्कुल सियासत हो रही है, सब नेता अपनी रोटी सेक रहे हैं। जी ऐसा कुछ नहीं है, जिनको दुख है वो तो आएंगे ही, दुख है तो आएंगे, हाँ। वो तो बिल्कुल आएंगे, जिनको दुख है वो आएंगे, उन्हें कैसे कि ये तो वो लोग सियासत कर रहे हैं जो उन लोग से बोल रहे हैं कि ये लोग रोटियां सेक रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ मामले को दबाया जा रहा है। दबाया जा रहा है, आपको भी लगता है दबाया जा रहा है? जी मैम दबाया जा रहा है बिल्कुल, जैसा कि SIT टीम है उनको बंद कर देते हैं उनके कमरे में, उनसे कोई पूछताछ रिपोर्टरों को नहीं करने दे रहे हैं, जो कि खुल के पास सामने आए, मुझे यही लगता है कि दबाया जा रहा है। CBI पर भरोसा है आप लोग को? CBI जांच करेगी तो? नहीं 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 नहीं, CBI पे भरोसा नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप लोग की क्या कार्रवाई की मांग करें, DM के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? DM साहब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और बल्कि इन केस में इनको पार्टी बनाकर इनके खिलाफ माननीय कोर्ट से होना चाहिए। अब ये 10 तारीख को यहाँ पर जाएंगे, माननीय हाई कोर्ट लखनऊ पीठ ने इनका संज्ञान लिया है स्वतः और इनको बुलाया है, ये अपना पक्ष रखेंगे, इनके खिलाफ वहाँ भी होनी चाहिए कार्रवाई और इनकी यहाँ जब भी मुकदमा चले दिल्ली में वहाँ भी इनके खिलाफ कार्रवाई, प्रशासन के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो ये मांग हो रही है। आप देखिए यहाँ पे तमाम लोग, युवा से लेके हमने एक आवाज़ दी तो सब लोग यहाँ इकट्ठा हो गए और कहीं ना कहीं इस मसले को लेकर पूरे समाज में बहुत हताशा है। मैम कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कॉन्स्पिरेसी हो रही है, लेकिन वो ये देख लें कि जो परिवार है या जो बेटी है हमारी वो कहाँ पड़ी हुई है थाने में भी, वो कितना मजबूत परिवार है। कॉन्स्पिरेसी ऐसे लोग करेंगे जो बिल्कुल हैंड टू माउथ है, उन्हें क्या मिलना था, लेकिन उनकी FIR भी वो होती है नहीं लिखी जाती है। स्वतंत्रता के इतने साल बाद भी हम आज भी दलित हैं और बिल्कुल हमारे साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता है, ना हमारी रिपोर्ट लिखी जाती है थाने में और ना हमें कहीं सुविधा मिलती है सरकारी। नहीं भैया, देश का संविधान तो आपको सुरक्षा देता है पर ज़मीनी हकीकत जो है आते आते बदल जाती है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? समझ में नहीं आता ये जातिगत समीकरण है या उपचुनाव का डर है सरकार को या क्या, यहाँ पे साजिश फैलाई जा रही है, वेबसाइट्स लॉन्च कर दी गई हैं, क्या लॉन्च कर दी गई है, हमें बिल्कुल हमें इस चीज़ से मतलब नहीं, हमें मतलब है कि हमारे साथ इंसाफ हो, हमें हमें षड्यंत्र है मैम, हम लोग जब इतना डरे हुए हैं तो हमारी बहन का परिवार, हमारी पीड़िता का परिवार न जाने कितना डरा होगा, तो ऐसा क्यों हमारे साथ हो रहा है, क्यों ये जातिगत वोट हो रहा है, क्यों हम शांति मार्च भी नहीं कर सकते, क्यों हम शांति से अपनी बात भी नहीं रह सकते? हमें डराया जा रहा है और कंटिन्यूसली धमकाया भी जा रहा है और उस पीड़िता के परिवार के लिए कि उन लोगों को उसकी शक्ल भी नहीं देखने दिया और मतलब इतना धमकाया और इतना डराया जा रहा था और आज जो हमारा समाज कर रहा है वो अपनी बेटी के इंसाफ के लिए नहीं, वो हर समाज की और हर देश की हर बेटी के इंसाफ के लिए बात कर रहा है। हमारा समाज अपनी समाज को लेकर ही सीमित नहीं रह गया, हमारा समाज देश की हर बेटी की सुरक्षा की मांग कर रहा है। अगर हमारे समाज की बेटी क्या देश की हर बेटी सुरक्षित नहीं है प्रदेश सरकार में और देश सरकार में? एक और गुजारिश करना चाहूंगा, जब हम बहन निर्भया के लिए हमारा पूरा समाज, हमारा पूरा देश खड़ा हुआ था तो आज संवर समाज ने हम दलितों को क्यों पीछे छोड़ दिया? क्या संवर समाज एक पीड़िता के लिए जो बहन के साथ हाथरस में हो क्या उसके लिए साथ नहीं आएगा, या फिर यहाँ पे दो पार्टीशन बना के सवर्ण वर्सेस दलित की यहाँ पे राजनीति चलती रहेगी? तो हम चाहते हैं कि हमारी पीड़िता के लिए सवर्ण समाज भी हमारे साथ आए और हमें न्याय दिलाए, यहाँ पे कोई जातिगत कोई वो राजनीति ना करे। बड़ी सकारात्मक सुझाव भी और दूसरी तरफ एक तरफ साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि जब एक अत्याचार होता है तो वो अत्याचार होता है, उसको जाति से नहीं जोड़ना चाहिए और जाति में नहीं बंटना चाहिए क्योंकि ये हमारा समाज है। जब तक हम समाज की मानसिकता नहीं बदलेंगे तब तक यूं ही अंधकार में इस तरह से इंसाफ अपने आप को रोशनी
ढूंढता रहेगा। इस तरह से कैमरा पर्सन शकील अहमद के साथ मौसमी सिंह यूपी तक के लिए।